हैगा इज़ वेलकम टू साइक अवरनेस आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आपकी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एस सी की SCRT तरफ से फेलोशिप आई है जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल हैं जैसे कि सेंटर में एन सी काम करती है वैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी जितनी भी उसमें एस सी काम करती है आप सभी को पता होगा तो एस सी जो आपकी एजुकेशन रिफॉर्म्स काम करती है तो उसके अंदर आपकी फेलोशिप की वैकेंसी आई है इस टाइप एंड फेलोशिप काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है आपको पर मंथ आपको सिक्सटी थाउजेंड यानी कि साठ हज़ार पर मंथ आपको इसमें फेलोशिप मिल रही है जो फेलोशिप की ड्यूरेशन उसकी बात करेंगे और इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी ना कोई आपका इसमें एग्जाम होना है इस फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और इसका इंटरव्यू होगा सीधा आपका और सिंपल सा आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है तो बात करते हैं फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल है तो बात करते हैं फेलोशिप की जो है आपकी स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग डेली इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर चेंज मेकर जो फेलोशिप का नाम है आपका वो है सी एम आई ई यानी कि चेंज मेकर इन एजुकेशन आपको एजुकेशन में चेंज करना है आपको नाम से पता चल रहा है चेंज मेकर इन एजुकेशन सी एम आई फेलोशिप और इंटर्नशिप भी है बट अभी इस वीडियो में बात कर रहा हूँ सिर्फ फेलोशिप की फेलोशिप आपकी शुरू में वन ईयर की रहेगी उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है अभी बताऊंगा वो भी इसलिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट देखना है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसका और जो पोस्ट रहेंगी फेलोशिप की कितनी रहेंगी एटीन अट्ठारह जो आपकी फेलो को हायर करेंगे उसके बाद जो आपकी फेलोशिप रहेगी पर मंथ जो स्टाइपेंड है वो रहेगा सिक्सटी थाउजेंड पर मंथ रहेगा इट आपकी फेलोशिप का अब एलिजिबिलिटी क्या है कैसे अप्लाई करना है देखना अप्लाई करनी लास्ट डेट जो है आपकी वो ग्यारह जुलाई तक आपको अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर देना है ऑनलाइन कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी अगर भेजोगे तो फॉर्म आपका डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपकी एस सी आई टी डेली जो आपकी है आपकी फेलोशिप है चेंज मेकर्स इन एजुकेशन फ़ेलोशिप की बात हम करने वाले हैं तो क्या फेलोशिप है कैसे अप्लाई करना है देखते हैं बात करके क्या चीज़ है इसमें तो द चेंज मेकर इन एजुकेशन फेलोशिप द चेंज मेकर एजुकेशन आपको कुल मांगा कि क्या अपने आपको एजुकेशन रिफॉर्म्स आ, आपकी एजुकेशन की पॉलिसी पर काम करना है और कैसे आप नई नई चीज़ें एजुकेशन सेक्टर में ला सकते हो तो आपको डेली मॉडल वर्चुअल स्कूल में काम करना है आपको करिकुलम रिफॉर्म्स पर काम करना है आपको डेली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में काम करना है आपको डेली टीचर्स यूनिवर्सिटी एम आई एस और ऑनलाइन ट्रेनिंग पे काम करना है स्कूल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सेलेंस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स ये सब आपको इसमें काम करना है इस फेलोशिप के अंदर जो मंथली स्टार्टमेंट आपको बताया मैंने वो यहाँ पर कितना सिक्सटी थाउजेंड पर मंथ रहेगा जबकि फेलोशिप रहेगी शुरू में वो फेलोशिप की ड्यूरेशन रहेगी वन ईयर लेकिन आफ्टर वन ईयर ये एक्सटेंडेबल हो जाएगी वन ईयर के लिए और तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू ईयर की आपकी टोटली फेलोशिप रहने वाली है और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी फेलोशिप की तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा है या अभी कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो यानी कि आपने पी कंप्लीट कर लिया है तो फॉर्म भर लेना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है अगर पी फाइनल ईयर है तो भी फॉर्म भर सकते हो तो पोस्ट ग्रेजुएट में फॉर्म भर सकते हो पी जी परस्यू कर रहे हो तो भी फॉर्म भर सकते हो ठीक है ठीके? अगर पी जी नहीं कर है तो आपको ग्रेजुएशन क्या किया होना चाहिए लेकिन ग्रेजुएशन आपके पास टू ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर फील्ड ऑफ टीचिंग या अदर एन वगैरह में या मेंशन नहीं किया है किस चीज़ में एक्सपीरियंस चाहिए लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कराए या पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो फ्रेशर जो एज लिमिट रहेगी फॉर्म भरने के जनरल के लिए 22 से तो 35 साल 32 टू 35 थर्टी ईयर तक फॉर्म भर पाओगे अगर एस सी एस में अगर आप आते हैं तो अपने 22 टू तो 37 सेवन ईयर तक फॉर्म भर पाओगे जनरल बाईस से पैंतीस साल और एस सी एस टी ओ बाईस से सैंतीस साल तक फॉर्म अपना भर पाएंगे ठीक है इस एज में तो बात करते हैं अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है इसके लिए आपको बता दिया मैंने क्या काम करना है आपको इस फेलोशिप में क्या एलिजिबिलिटी है क्या आपको स्टाइपेंड मिलेगा अब बात करते हैं एजुकेशन रिवोल्यूशन पर आपको काम करना है जो आपकी जो फेलोशिप रहेगी वो आपकी एस सी आई टी डेली में ही आपको काम करना पड़ेगा लेकिन आप ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हो कोई बुरा स्टाइपेंड नहीं काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड फ्रेशर्स को मिल रहा है मास्टर के बेसिस पर और ग्रेजुएशन के बेसिस पर वो भी सिक्सटी थाउजेंड पर मंथ तो अप्लाई कैसे करना है देखते हैं अभी लास्ट डेट क्या है ग्यारह जुलाई अप्लाई करने की शाम पाँच बजे तक अप्लाई हेयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लिखा है अप्प्लीकेशन फॉर्म चेंज मेकर्स इन फेलोशिप प्रोग्राम दो हज़ार बाईस दो हज़ार तेईस तो आप पहले अपनी ईमेल डालोगे जितने भी स्टाफ मार्क्स लगे हुए ज़्यादा स्टार लगा हुआ है वो आपको फिल करना मैंडेटरी है तो यहाँ पर आप सब फिल करके अब आगे बढ़ोगे तो सिंपल आपको फॉर्म है ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है इस फॉर्म में उसके बाद अपना नेम डालोगे यहाँ पर मैंने डाल दिया एक्सपायर डेट उसके बाद अपना लास्ट नेम अपना मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ जेंडर कैटेगरी उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देना और इस जो आपका फॉर्म है इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन भी आपको फिल करने पड़ेंगे उसका आंसर देना पड़ेगा उसी के बेसिस पर आपको जो है फॉर्म है वो शॉर्ट लिस्टेड होगा साथ में इस फॉर्म में आपको जो है वो सी बी भी लगेगा आपका रिज्यूम भी लगेगा और उन क्वेश्चन के आंसर आपका रिज्यूम है आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म जो है शॉर्ट लिस्टेड होगा देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ठीक है ये सब इसमें है तो आपको एक कॉलेज नेम अगर सब आप भर दोगे क्या आपकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है अब तो आप पी वगैरह जो भी आपकी पीएचडी मास्टर डाल देना आप कहाँ कहाँ से करा है अब्रोड से या इंडिया से एक्स वाई जेड सब मैंने भर दिया आपको दिखाने के लिए आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या रहा है मास्टर्स या एम फिल जो भी कर रहे हो आप तो आपका ह्यूनिटीज़ रहा है तो ह्यूनिटीज़ तो भर देना अदर चीज भी अगर इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता आपका नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हो तो अप्लाइंग फॉर आप फेलोशिप के लिए कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए अभी बात कर रहे हैं फेलोशिप की तो आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर क्लिक कर देना उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो फॉर्म आपका दोबारा आगे बढ़ जाएगा तो टोटल जो फॉर्म रहेगा आपका यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है आपके पास तो आप इसमें क्लिक करोगे तो आपके पास जितना एक्सपीरियंस आप भर देना वन ईयर या मोर देन फाइव ईयर तो अगर आपके पास फ्रेशर हो तो यहाँ जीरो पे क्लिक कर देना फ्रेशर भी मैंने कहा था अप्लाई कर पाएंगे तो फ्रेशर भी इस फॉर्म को भर पाएंगे तो जीरो ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो करेंटली एम्प्लॉड अनएम्प्लॉयड हो तो नो हो तो यहाँ पर नो कर देना तो यहाँ भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसके बाद अपना नेमचर एम्प्लॉयमेंट डालना क्या 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 सेल्फ एम्प्लॉयड हो फुल टाइम हो पार्ट टाइम जो भी है आप कर रहे हो तो यहाँ पर भर देना किस सेक्टर में काम कर चुके हो तो ये सब भर देना यहाँ पर और साथ में क्या है डू यू हैव वर्क एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पर देख लेना उसके बाद यहाँ क्या लिखा है इफ़ टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कितना एक्सपीरियंस आपके बढ़ रहा है गवर्नमेंट के साथ अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस फिल करना पड़ेगा उसके बाद ऐसे ही पेज नंबर फोर है फिर फाइव सिक्स हो टोटल जो पेज है वो सिक्स पेज का आपका फॉर्म रहेगा और लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन भी इसमें पूछे हैं उसका आंसर आपको देना पड़ेगा आ, हिंदी इंग्लिश किस में देना पड़ेगा वो ऐसा मेंशन नहीं है तो उसके लिए आप इन्हें ईमेल करके पता कर सकते हो लास्ट डेट जो है ग्यारह जुलाई तक आपको ये फॉर्म अपना भर के सबमिट कर देना है सिंपल सा फॉर्म है और फेलोशिप काफी ईजी वे में फेलोशिप बताया कि आपको एजुकेशन रिफॉर्म्स काम करना है पूरी फेलोशिप के अंदर अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अपना पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो फ्रेशर हो तो अप्लाई कर लेना अगर पीजी नहीं किया है तो फिर आप यूजी के बेसिस अप्लाई कर सकते हो लेकिन उसमें टू ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है टोटल आपकी फेलोशिप काफी अच्छी है सिक्सटी थाउजेंड पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल रहा है फॉर टू ईयर तो कोई कह रूप है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना बाकी इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वीडियो सभी तक कर देना शेयर और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब और ये जो आपकी जो आपकी पूरी इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से अप्लाई कर लेना और इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और वाट्सअप ग्रुप का उसको ज्वाइन कर लेना बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी है मेरा वहाँ से आगे कुछ कमेंट होगा कुछ क्वेरी होगी तो वहाँ जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो ठीक है बाकी कह होगी तो कमेंट करना बाकी मिलता जल्द अगली वीडियो तक ले थैंक यू